की तो नैना में धुआं तोरे लगी गए, की तो डबिया के पान तोरे चुकी गए, की तो कौनो मर लाए तोह के भैया त्रिया मकर जाल से भगवान हार गईले तो माहिल का शक्ति रहलियो। त्रिया जाल बनकर दुल्हन फेंक दले, चूड़ी फोड़ के आपने मांग का सेनहुर धोवे। माहिल कही काहे बदे सेनहुर धोवती हूँ, तो अखिला दुल्हनिया माहिल के कहे का कि से राड़ी भला उफारा पारी जा बाला मुए हमारे और चूला कर मेहरी हम के सोनावा बनावे और नीरा बंसी बनावा की बाए और हमार लड़का भगवान जी मारी दहले सोनावा के जैसे हमार लड़का मरल वैसे सोनो के लड़का के मारा, तब तो जानी पति हमार, नहीं तो समझब कि मर गईला ला सेनहुर देबे अवैध होवाए। माई तब कसम खा गया कि जब तक मेरी जिंदगी कायम है तुमको कौन परी परवा, कहो रूदल आल्हा के मूरी काज के लिए आके दिखा दी। हमार चुगली जब तक कायम रही उनके परली कवन पर वाह, अरे सबकर तलवार कतल करे हमार चुगली कतल करे, तो तू बैठा हम अब नयन करे जा इंदल के लिए आई ला कह नहीं पहले नयन करे जा इंदल के लिए आई हमें दिखाए जा। तब माइल कल अरे अन्न पानी कुछ करा कह न, जब तक नयन करे जा इंदल के ना देखा तब तक ना। माहिल कल अच्छा हम चाह लिली घोड़ी पर माहिल चढ़ बैठा ले बजरंग बली का नाम बबू राम बनई है सो बल जाए है बिजली बलत बलत बल जाए है। माहिल ठाकुर तब मोहबा में पहुंचा चुगली लगावे जाए और नगर महोबा में जब पहुंचा घर घर सुन बायना गाए घर घर सुना नगरी पड़ गए कोई मर्द महाबालाए। तब माहिल अपने मन सोचे अपने मन में करे विचार मोहबा में क्यों मर्दा ना हो घर में आग गई लगाए। फिर सोचे कि अरे आग लगाई तो खड़वा पर रूदल आला हुई है पछमे से खोस दी है तल वार लेवा पहले खड़वा पर पता लगाई। तब अखाड़ा पर लंदन वन में पहुंचल माही तीन थे। हाँ भैया 5 रुपया बदूपुर के निवासी छोटे समय माही लंदन वन अखाड़े पर पहुंचा है। अरे तीन थे लला नवा अब समानवा पहलाऊ कै एक लड़का आल्हा कै इंदल एक लड़का के भाके लखपातर एक लड़का रूदल के देकर अमर जीत नाम रह। इंदल डर लगावत रहल माहिल घोड़ी अखवन कुदा जलस तब ले नजरिया बाबू सवारिया कपरी गए अमर जीत लई के घर जल तल कहले इंदल भैया ई कौने ससुरा के घोड़ी गदही हो कि अखाड़ा में कुदावत हो। बजरंग बली का नाम लिहल जाला अखाड़ा में ती घोड़ी गदही कुदावत पाए तन की हुकुम दे दे तो पटक के रेली दही तल। इंदल कला रे भैया चुप रहो मामा हम दादा के पद में नाना लगे हमार नई के सलामी करा नई के सलामी कुल कैले माहिल आशीर्वाद दे के कुर्सी बैठ के कहे बेटा आल्हा रूदल देभा सैयद कहाँ चले गए। इंदल कला कि अरे तो अवधपुर परसों गए बाटे। तब माहिल सेवे मोछ पे हाथ एक ठौरिये के खोजत रही तीनों इकट्ठे बाटे अब तीनों के दे गर्दन कटे
माइल तब झूठ बात बनावे कहे बेटा, अरे पक्के दागे बाज तो आल्हारो दल हमसे कलिया कहले मोहबाबा में आईहा अपने आजो जा चले जाए। इंद्र का झूठ बाज हमारे चाचा दादा की मत कहा, अगर चाचा दादा नहीं है तो हम तो तैयार हैं। क्या हुक्म है आपका है? माहिल तब कहे तुहार नानी बीमार बहुत हो मानती बाटी मिर गए कहे हो मैसे कनकी जंगला में चलबा ललवा तो एक ठेली मिर गा कह कर ब्यासी कहे। माहिल समझ गए कि वह जंगल में शिकार खेले के बहाने ले चली जहां बाघ शेर चित्ता गैंडा अधिक हो, फार के खा गई है बाघ नैन करेदा बचल रही हड्डी लड़कन के बचल रही लिया के रानी के दिखाई दे। ये सोच के माहिल शिकार खेले के बहाना बनौले। इंदल कहले जब चा नानी बीमार है और मिर्गा के मांस पा जाई तो ठीक हो जाई तो चला लाइके ते गाइन दल गर जाले बजरंग बली के नाम लाइके ते गा अमर जीत गर जाले बजरंग बली के नाम लाइके ते गा लख पातर नी गर जा हाथ ले ये तलवार एक हरनी कै कवन चलावा कई हरनी मार दे बथमाए बाबू या खाड़े तीनों लड़का जब जंगल कै पकड़ेरा एक बन घई दूसर बन ना घई तीसरे बन में पहुंचे जाए भारी जंगल झारखंड कै जामे बाघ सिंह नरिया वही जंगल में अम्मा ही पहुंची के बघावा के हर वहर ताकत बाय। माइल सोचे कि भगवान एक बाघ मिल जा तो तीनों के भिड़ा दे तो मार के खा जाते। तब ले एक बाघ भगवान के मर्जी देखा ओई झंखुली में सूतल रह माहिल का नजरी पड़ी जाए कहे बेटा तुम छत्री के लड़के हो सिंह बनोगे कि सिया। इंदल कहे सिंह बनेंगे। तो माहिल कल जब सिंह बनत हुआ तो बाघ एक शिकार खेला कहे कहाँ कहे देख हुए सूतल हो। अरे तबले नजरियो शमरिया के परी हो गईली तीनों रोई के पीटे लागे सीनावा जवानावा कैया से दुश्मनिया नाना हमसे तुमसे बाटी बघावा से मरवई ब्या तू हमारो पारानावा। ए नाना ये कहिया से दुश्मनी हो कि बाघे से लड़ाई के हमन के मुआवे चाप है। अरे खूकार बाघ हो उठ के खा जाए तो तुम्हें कौन फायदा हो। महिला कहे बाप रे बप्पा ई तो हमहू से चलाक लौकत बाय। तब माहिल पानी चढ़ौले कले तुम्हारे चाचा दादा सौ सौ बाघन के पटक के मारे ले तू तीन जने हवा एक बाघ के दिखाए के डराए गई। अरे धिक्कार है। हाँ भैया 2 रुपया पल्ला साहब की तरफ से पुरस्कार। अच्छा हाँ भैया देखिए 2 रुपया पुरस्कार ये मिला है। हाँ भैया संग संग गलत माहिल गलत। अरे नहका जन्म लेला मर दे धर पगड़ी बढ़ रहे थे ढेर का लड़की होई के जर्मन होते कोने बैठी में जाओ क्या गाल लड़की होई के जर्मन होता क्या मर दे संग हो तभी आए दाई के काजर ठिकुली बैठता तब लागा है पर तलवार बात लागी गई तीनों लड़िकन के तीनों खींच ले तलवार कहना नक नाता ना हो कहीं तू ही के चापी दे तलवार मेहरी बनौला ना भल कैला अब बोर दियो बाप के नाम कहो बाघ के सूतक मारी कह दुई खंड दे मैं गाय। माहिल कहे जगाए के मारा तब जानी की मर्द हुआ। माहिल जनता है कि जगाए के मारे जाइए बघवा खाए जाई मर जाइए ले जाए के हड्डी रानी के दिखाई दे। इंदल कहा जगाए के मारा खींच सिरोही लड़का इंदल
अमरजीत खिंचल सीता देभा कै लड़िका ते गाल तीनों तीन तरफ है जाए। बाघ के तीनों लड़िका जब घेर ले तो माइल समझ गए कि हो सकाला सुतले में कुल मार जा रहे, तो मेहनत तो डाण हो जाए लियो बघवा के जगा दी। तो माही के हिम्मत ना पड़त कि बाघे के खो दे जाई। महिला सोचत कि बघवा के खो दे जाओ तो हम ही के चबा जाए। माइल लमवई से का कैले छुछिया वजिया बंदुगिया कै धड़कौले जधड़ाक बंदूक माई छोड़ले। बाघ सुतल रहल चाके, जब जागल है बाघ तो उठता है बघवा देख तीन ठे सिकरवा। बाघ बड़ा मस्त भय अम्बाघ एक बार कस के जब गर्जल और महिला के धोती में चुई छल 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 महिला मुत है तो एक झंखुल में लुकायल बाय जाके के झंखुली महिल का भक्के अयर देखा का भेलो बाघ और लड़िकन के ऊपर टूटा छलांग लगा के बाघ अमर जीत के ऊपर आए से पंजा जब क्या अरे लड़िका ढलिए ढाल पर पंजा बाघ रोक ले। लेकिन काज के पैतरा फरके हो गल बाघ कवार खाली हो। जब दूसरा छलांग बाघ लगौलस तबले इंदल पहुंच के रोक लिया। जब दो बार बाघ का खाली हो गया तब बघवा सोचलस कि अब यन्हे छड़े हम जाई चा बाय। बाघ छलांग लगा के तीसरे मर्तबे जब घर जा है अरे हिल गई पेड़ूरिया तीनों बाचावन के भैया बारा है बारा सा कई उमारिया सवारिया दूधावा कै दातावा ललन कै नाही टूटल रहल मुहावा पे नाही जामल बरवा सवरिया तीनों अब नादान बचवा बघावा के देखे रोवे कहा गईली आजा हमा रीरे महा तारिया अरे मतरिया हमारी लड़के उस समय रोए अरे मतरिया हमारी मारल जाला तोर ला 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 मतरिया त्रिलोकी प्रसाद जी की तरफ से तहेदिल शुक्रदान नमस्कार। लेकिन हाँ भाव गाने के और बा करुणा रस वीर रस रौद्र रस श्रृंगार रस हाँ भैया ये नन्ना मुन्ना की तरफ से पुरस्कार 7 रुपए का आया हम तहेदिल शुक्र अदा करते हैं। नमस्कार जो हमारी स्वागत करते हैं उनकी स्वागत भगवान करें। लेकिन दास्तान सुने बड़ा रस भाव आगे बा हाँ हो रमा थो समय लड़का रो के कहते हैं हाय पिता रूदल कहां चली गए चाचा देवा मह राज ऐसे में जल्दी से आ जा जा तो जान हमार अरे मतरिया हमारी गई जा हीरा के का सारा
लेकिन इंदल साहस देले कि भैया मरना तो एकरो सबको है, कोई आज मरेगा कोई कल, तो मरने के पहले धीरज क्यों छोड़ देते हो रे वीर, गति से मरो, वीरताई दिखा के मरो, कायर बन के मत मरो। इतना जब कहा जो से आई गई तीनों लाड़ी कान के झम से खींचली तलवार, झम झमते गा तीनों खींचे तीनों वीर भय तैयार, इधर बाग जब छलांग लगाई तीनों लाड़ी कान के सुनो दास्तान, उधर बाग जब इंदल ऊपर तीनों खींचली तलवार, तीनों तेगा तीन तरफ से हनी भगवान पै दिया चलाए, आए वही एक तेगा इंदल कला गला बघावा पै एक लुलू है बघावा के काठी गए, बाघ जब गिर पड़ा तो दोनों ताठों के कहते जय बजरंग, माहिल निकल के झंखुल से धोती गारत पहुंचे, कहे बाप बेटा अरे मैं जानो कि रूदल है खाली मोहबा में पी रहो, अरे मोहबा में जे जे जन्म ले वो हु के जाना रूदल है बा, शाबाश शाबाश भी जय। लेकिन देखे दोनों को साहब माइल दिया कि धन है तेरे माता को जिसकी कोख में तुम जन्म लिया, लेकिन माहिल यार मन में सुलगत हो कि ये भगवान मैं कहूँ बघवाई खाई गई तो बघवाई साले पटक के मार, अब कौन उपाय लगाई, ये बाघ बीमार रहल है लेवा दूसरे बाघ से भिड़ाई, तो जब दूसरे के भिड़ौले ओनहू के कुल पटक के मरल, तीसरे के भिड़ौले ओनहू पटक के मरल। भैया पहलवान हो चाहे डाकू हो चाहे चोर, एक बार कामयाबी पा जाला तो कर मन बढ़ते जाला, लड़का जब दुई बाघ है के मरले तो मन बढ़ गए कि अब कयू लाख बाघ है तब तो पटक के मारब, और माहिल के मन घटक जा था कि भगवान हे देखा ते ऐसे ना मरी है, इन्हें कतो जहर खियाई तब मरी। आहा दोपहर हो गए शिकार खेलत, अरे तब ले लनवा रोई के रूदल सिंह के बोले ले। हाँ भैया देखिए 5 रुपए का पुरस्कार श्रीमान राजेंद्र भाई जी की तरफ से पुरस्कार मिला है, हम तो इधर शुक्र अदा करते हैं नमस्कार, लेकिन देखें अरे तब ले लनवा रोई के बोला रूदल माहिल सुन गा बतिया हाँ हाँ लाए दुनिया पिया लाला दुनिया आई से में, अरे परिया बिल जाते लाला हमारा पारा, माहिल कल बेटा यहाँ कुआं इनार ना बाए, माहिल बदकार तीनों बच्चों को जहर पिलाने के लिए जा रहा है, माहिल बतलाया कि बेटा इस जंगल में न कुआं है न तालाब है न नदी है कि तुम्हें पानी पिला दूं, चलो किसी गांव में तुम्हें पानी पिला दूंगा, ऐसे ही कह के माहिल एक शहर था उस जंगल के थोड़ी दक्षिण तरफ जिसका तिलरी गढ़ नाम था, वहां के राजा नाटा मल थे पंडित जात के, उनके देश में पहुंचा ले जाए, लेकिन माहिल सोचे इनके जहराई हम पी आई दे, अरे पनिया के बदले दे जहराई हम पी आए, जब लेके चलल माहिल जब शहर के करीब पहुंचल थे, एक शहर के पहले से बाग पर गई, वह बाग में का माहिल देखता कि 1200 लड़की लई के रा
राजा कई भी किया पर बबिया में झलुआ लड़की झूला की मैं तब ले नहीं जरिया समय में हो माहिल जब लड़कियन के झुंड देख ले तो माहिल सोचत कि लड़कीन के झुंड में लड़कन के लेके चलावे लड़कीन से हंसी करी हंजल मर जाए तब ले चुगलियो मारी लागी जाई के दे हम जान से मारा भैया के अब निकली काहे कि अब ले तो भूमिका रहल लेकिन अब अस्थाई रूप गाना के आगे सुना कैसे लेकिन आप लोगन शांति बनावा तब हाँ हो चोर कसंग वाह लेकिन देखा जौने समय में लड़कीन के माहिल देखले और सोचले कि तीनों लड़कन के ही लड़कियन के झुंड में घुसाई तो चुगली हमारा लगी जाए वही बगीचों में माहिल लेके लड़कन के पहुंचल जा राजा कई कुमारिया अरे झूले जब झूलना अरे तबले माहिलवा चुगला हो जूटी जाए लेकिन माहिल पहुंचल है तो लड़की के नजर लड़कन बजे पड़ल तो देखे लड़की आ राजा के कहा कि झांगुड़ झांगुड़ बर लील रवे पर देहरे ने तुरवा तो जैसे सुगन वे पेठो बगीचा में झूला बंद करा के पहुंचल हाँ भैया ये नन्ना देखिए देख के सुरती अरे मोहले गुजरिया झूला बंद करा के निया लड़का के घेर के लड़की सब पूछत है कि अरे कहवा तोर घरवा बाबू कहवा तू अरे कहवा कै बाटा तू ये नंदा कुमार औरत की बगिया में तू कैसे चाली अरे यहाँ मर्द केहू तैयार लड़की दबट के बोली कि कौने कारण बागे आया रे सोरिया कौने कारण बागे आया रे सोरिया कौने कारण बोल जर दिल को खोल जरा और कौने कारण बागे आया रे माहिल का सोचत है तने में ज
जय बजरंग जय बजरंग। बात ही बनती अब लड़की से बात होती चुगली लगत बा, लेकिन भैया के तरफ से दुर्गा किसके हुक्म से बगीचे में आए हो? अभी पिताजी को जना दू, पीट के खाल खींच ली। लेकिन अमरजीत तेगा लेके गरजता है, इंदल ताठों के कहता है फिकर नहीं है जिगर के अंदर, खूनों की नदी बहाऊंगा, तेरे पिता का सर काटू और तभी महोबा जाऊंगा। अरे मर्द वही कहलाता है जो सर्वभूम पर मरता है, जो मर्द मौत से डरता है, रंडी का भलुआ खाता है। तुम मर्दों को धमकी दे रही हो औरत होकर के, प्यास लगी है पानी के तलाश में जाते हैं, तुम्हारे ऊपर डाका डालने के लिए नहीं आए। तब लड़कियां समझ गई गे बाप, ई लड़का ना कुल वीर लौकत, अब तनकी अवा टेढ़ बोलब तो हो सकल हम ही पटक के मार डाले। तो लड़कियां हाथ जोरी के गदोरिया बोल रही है कुंवरिया, हे हो राजा सुन मन बाबा की आई हमारे, ये कल बटल ललवा तन की खोला नमा, अरे कौने करनवा तू जंगल आई में आए। तब अमरजीत कही है बतिया पहले धीरे से पूछ ले ले हो तू। तब लड़का कहत कहा आल्हा कह कि ऐ लड़की सुन, मैं अपना नाम बतला रहा हूं। आल्हा का लड़का नाम बतलाया, क्या कहा? अरे हम हई ललनवा गोरिया आल्हा खातूर मोहबा कै जे बाटे कुंवर हो लोलिया है। इंदल नाम हमार बा, हई लड़का चाचा रुदल सिंह का बाटे इनकर अमरजीत नाम बा, हई लड़का देभा पंडित का बाटे इनकर लखपातन नाम बा। अरे बाप बभने का लड़की रहे, अब बने के लड़का की तरफ देख ले, सोलह समी अरे सोलह बरस की गोरी के उमरिया ओके सोमरिया के जरूरत बाए। लेकिन देखा हो इहो आ गए ही में का कि राम राज में दूध भात, कृष्ण राज में घी, राजू गांधी के राज में चाह मिले की फूंकी फूंकी के हो, 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 लेकिन देखा हो आज कलयुग जमाना ईसन बा हो कि संत कबीर वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास के चौपाई के आजकल का शायर दबाए दे थे, कैसे दबावे ले कहे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, इहो छे गाना चलल हो कहे जिनकी बीबी लंबी उनका भी बड़ा नाम है, कोठे से लगा दो सीढ़ी का क्या काम है, और जिनकी बीबी मोटी उनका भी बड़ा नाम है, और कंकड़ पे लटका दो गद्दे का क्या काम है, और जिनका मियां मोटा उनका भी बड़ा नाम है, गाड़ी में लगा दो भैंसे का क्या काम है, और जिनका मियां लंबा उनका भी बड़ा नाम है, तंबू से लगा दो बंबू का क्या काम है, तेरे जमाना के जरे। लेकिन संत कबीर का कह गई ले दुई अर्थ कहो उछंद, ओके सोचे और समझे कैसे कबीर दास कल है कि तू तो नारी मिली है बादामा सतो है करी है सत्ताना।